अगर आपकी बीवी आपसे 10 साल छोटी है तो इसे उम्र का फासला कहा जाएगा, लेकिन अगर आपकी बीवी आपसे 25 साल छोटी है तो यह उम्र का नहीं बल्कि पीढ़ी यानी जेनरेशन गैप का फासला होता है। इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म दे दे प्यार दे कुछ यही मैसेज देती है। यह फिल्म लंदन में रहने वाले 50 साल के बिजनेसमैन आशीष अजय देवगन की कहानी है। आशीष अपनी इंडिया में रहने वाली पत्नी मंजू तब्बू और बच्चों से कई साल पहले अलग हो चुका है। एक दिन उसकी लाइफ में उसकी बेटी की उम्र की खूबसूरत लड़की आयशा रकुल प्रीत सिंह की एंट्री होती है। इस बेमेल जोड़ी को देखकर आशीष का डॉक्टर दोस्त राजेश जावेद जाफरी उसे समझाता है कि जवान लड़कियां अक्सर बूढ़े दौलतमंद लोगों की दौलत हड़पने के लिए ऐसे रिश्ते बनाती हैं। इसके बावजूद आशीष और आयशा एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। नौबत जब शादी तक पहुंच जाती है तो आशीष एक बार अपने बीवी बच्चों से मिलवाने के लिए आयशा का इंडिया लाता है। यहां आकर उसे पता लगता है कि खुद आशीष की बेटी की शादी की बात चल रही है तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। ऐसे में उसके और आयशा के रिलेशनशिप में ब्रेक आ जाता है। इसके बाद कहानी में कुछ और मज़ेदार ट्विस्ट आते हैं। आखिर में आयशा के साथ आशीष नई गृहस्थी बसाता है या फिर अपनी पुरानी गृहस्थी को फिर से अपना लेता है, यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। रिव्यू: फिल्म में अजय देवगन ने हमेशा की तरह बेहतरीन एक्टिंग की है। खासकर इस फिल्म में उन्होंने अपनी उम्र के रोल को बेहद संजीदगी के साथ जिया है। वहीं तब्बू ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उन्हें एक्टिंग का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। उनकी बढ़िया एक्टिंग आपको फिल्म से जोड़कर रखती है। रकुल प्रीत ने भी अपने रोल को बेहतर तरीके से निभाया है। वह पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी हैं। इसके बाद रकुल प्रीत को बॉलीवुड में और अच्छे मौके मिल सकते हैं। इनके अलावा आलोक नाथ, जिमी शेरगिल और जावेद जाफरी ने भी फिल्म में ठीक ठाक एक्टिंग की है। डायरेक्टर आकिब अली ने एकदम नए जॉनर के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करना चाहता है तो लगे हाथ उसका अपना बेटा भी अपनी होने वाली मम्मी पर लाइन मारने लगता है। वहीं उसकी असली पत्नी अपने पति की खुशी की खातिर उसका पूरा सपोर्ट करती है। सोसाइटी का एक हिस्सा खुद को इस अजब लव स्टोरी से कनेक्ट कर सकता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको हंसाता गुदगुदाता है तो सेकंड हाफ में स्टोरी में कई ट्विस्ट आते हैं। हालांकि फिल्म के क्लाइमैक्स का आइडिया आपको पहले ही लग जाता है। फिल्म का संगीत उसकी स्पीड को स्लो नहीं करता है। खासकर हॉली हॉली सॉन्ग काफ़ी पसंद किया जा रहा है। रेडियो मिर्ची टॉप चार्ट में यह 10वें नंबर पर पहुंच गया है। फिल्म को IMDb पर भी पसंद किया जा रहा है और यहां इसे 8.1 रेटिंग मिली है। अगर आप एक नए टाइप के लव रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं।